नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चार राज्यों का तो मुझे पता है, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है और चौथा तेलंगाना है। तमाम जगहों पर प्रचार भी शुरू हो चुके हैं, तमाम लोगों को टिकट भी दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त तरीके की फाइट है, तो वहीं कांग्रेस में अब राजस्थान में अभी भी कांग्रेस भारी पड़ती नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में लगभग तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो वहीं तेलंगाना में TRS को लेकर लगातार बातें हो रही है। लेकिन इस कड़ी में कई जगहों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी है। कई सारे विधानसभा के उपचुनाव होंगे तो कई सारे लोकसभा के भी सीटें खाली हुई थी जहां पर उपचुनाव की तैयारी होने वाली थी या होगी, इसको लेकर बातें हो रही है। लेकिन इस कड़ी में एक और सीट को लेकर चर्चा का विषय बन गया है और वो है गाजीपुर लोकसभा सीट। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के सांसद थे, और उनको एक गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा हो गई थी। 4 साल की सजा होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि कोर्ट ने राहत दिया और उनको जमानत दे दिया, जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द हो गई थी। और संसद की सदस्यता रद्द होने के साथ साथ आपको पता होगा कि जब 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो रद्द हो जाता है, तो संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। और उसको लेकर अब जो है अफजाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कि हमारी संसद सदस्यता को बहाल किया जाए। लेकिन जब कोर्ट में मामला होता है फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव करा देता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विद इन 6 मंथ जो है कहीं से कहीं चुनाव करा दिया जाए। और इसको लेकर लगातार खबरें भी आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं अफजाल अंसारी, और चुनाव आयोग का मानना भी है कि भाई चुनाव आयोग और चुनाव समिति जो होती है उनकी मीटिंग में ये भी पता चला है कि भैया जल्दी चुनाव मतलब करा देंगे, फिर ज़्यादा सांसद जो नया बनेगा उसको टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगले साल फिर लोकसभा का उपचुनाव है। तो तमाम बातें भी हो रही है। इस कड़ी में कुछ खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और जिस तरीके से मध्य प्रदेश तेलंगाना के जो डेट आने वाले हैं, जो इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करने वाला है, उस मौके पर गाजीपुर में भी उपचुनाव करा सकता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या गाजीपुर के लिए सच में घोषणा जारी होता है या फिर 2024 में ही डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव होता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।